हाय हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज शनिवार और काफ़ी दिन से मेरा जो स्कूल कैंपस है जंगल बन गया, कुछ ऐसे घास उस से भर गया है। तो आज मैं सोचा है कि इसको मैं थोड़ा जो स्प्रे मिलता है घास मारने का वो ये करा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। और ये है स्प्रे, ये सब इलाका पूरा काफ़ी जंगल हो गया है बारिश का बाद। और जैसे ही बारिश छूटती है तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना है। हालांकि वहाँ पे एक कोहड़ा का पेड़ है, काफ़ी कोहड़ा हम लोग खा चुके हैं वहाँ से। और ये करूँगा, फिर सामने तरफ जो है स्कूल का उसको भी स्प्रे करना है। तो ये स्कूल का पिछले वाला हिस्सा है, आज मौसम भी थोड़ा क्लियर है इसलिए मैं स्प्रे डालने का कोशिश किया। और डोरा को बुलाया कि आजा, थोड़ा कल वो लेके आया हुआ था और स्प्रे डालने का कोशिश किया। ये सब जगह हमको स्प्रे डालना होगा। घास से भरा हुआ है ये, और इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे स्कूल रीओपन हो रहा है और ये सब रहना ठीक नहीं है। कैंपस क्लीन होना चाहिए। इतना दिन से मैं कुछ नहीं किया था और फाइनली आज इसको, कुछ दिन हालांकि पहले मैं शुरू किया था इसको सफाई करने का और वही काम चालू है अभी। देखता हूँ कैसे हो रहा, धीरे 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 धीरे। मेरा जो ओस्मो 3 गिम्बल टाइम लैप्स के लिए डाला हूँ इसको, टू आवर्स का मतलब हाफ एन आवर का निकलेगा टाइम लैप्स। काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको ओस्मो 3 को और काफ़ी अच्छा फंक्शन है इसका। बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो मैं कुछ हैकिंग करके इसको ठीक किया। रोटेशन बंद हो गया था, रोटेट नहीं कर रहा था, अभी ठीक काम कर रहा है। देखते हैं कैसे आ रहा टाइम लैप्स। फोटो पोस्ट किया था, नारियल लाया था खाने के लिए घर में और पेड़ हो गया था उसमें, और ये लगा दिया हूँ। देखता हूँ अगर बच गया तो काफ़ी अच्छा रहेगा बीच में। बड़ा अच्छा लगता देखने में जब पानी लेके कोई घर जाते हैं और इसी अंदाज में पुराना गांव देहात में यही देखने मिलता आज तक। पेड़ है मेरा काफ़ी पुराना है और हमेशा होते रहता है। इसका कारण है, जितना भी मेरा घर में किचन में जो अंडा का वेस्ट होता है और प्याज का जो छिलका और चाय का पत्ती हमेशा डालते रहते हैं यहाँ पे, इसलिए ये ऐसे ही हमेशा फूटते, हमेशा। यू कैन सी द फ्लावर, ये तो छोटा सा पेड़ है। और ये तो नींबू का पेड़ में लगाया था बहुत साल पहले और अभी उसमें आ गया है फ्रूट्स। ये देखिए नींबू मेरा, वाह कितना अच्छा लगता है ना जब आपका हाथ का लगाया हुआ पेड़ में फल आने लगे। छोटा सा पेड़ है बट तो काफ़ी हुआ है। यह है जापानीज मैंगो, काफ़ी कॉस्टली बोलते हैं इसका मैंगो। मैं मंगाया था अमेजन से और लगाया हूँ, अभी तक ठीक ठाक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। छोटा सा गुआवा का पेड़ ये भी लगाया था काफ़ी साल पहले, 4-5 साल पहले। हालांकि काफ़ी फल खाते हैं और काफ़ी मीठा है।
यहाँ पे। ये पेड़ का मजेदार बात है, ये पेड़ करीब जब से मैं घर बनाया यहाँ से उससे पहले लगाया हुआ हूँ। ये एक तो, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रैवलर्स ट्री जो है। और बट ये इसका मजबूरी ये हो गया कि ये जो मैं घास लगा दिया ना, और चारों तरफ इसको बढ़ने नहीं दिया, तो हाइट इसी में ही रह गया है। अच्छा है, यहाँ पे भी घास का कटाई होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं स्प्रे नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी फल और फूल का पेड़ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कटाई करते रहता हूँ। तो जब पूरा हो जाएगा, बारिश छूट जाएगी, तो इसको फिर मजदूर लगा के मिट्टी को पलटा देने से सब ठीक हो जाएगा, फ्लावर प्लांट बेड प्रिपेयर करने के लिए। अभी तुरंत मौसम में चेंज, थोड़ा देरी पहले काफ़ी धूप था। यह है करंजा का वेदर।